Today we will look that how to add font awesome in our project. Basically font awesome क्या होता है कि हमें सपोज आइकन अपने चेंज करने हैं, लाइक एडिट आइकन हमें चेंज करना है, रिमूव आइकन चेंज करना है, या ऐड में कोई आइकन डालना है, कोई भी आइकन, वट एवर आइकन यू वॉन्ट, एनी प्लेसेस आप किसी भी प्लेस पे ऐड करना चाहते हो, उस समय हमें फॉन्ट अवेशम या किसी थर्ड पार्टी आइकन्स की ज़रूरत होती है। जो बहुत सारे ऐसे मटेरियल आइकन है फॉन्ट अवेशम है, तो उसमें से वन ऑफ देम, उसमें से हम फॉन्ट अवेशम चेक यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। लेट्स सी, फॉन्ट अवेशम ऐड करने के लिए सबसे पहले हम गूगल करते हैं, डाउनलोड करते हैं लाइब्रेरी फॉन्ट अवेशम की। डाउनलोड फॉन्ट अवेशम, ओके, सी दैट दिस इज द फॉन्ट अवेशम। हमारे पेड और फ्री दोनों होते हैं, तो हम लोग फ्री का यूज करेंगे फिलहाल। फॉर वेब, हम लोग को वेब का डाउनलोड करना है, डेस्कटॉप का नहीं डाउनलोड करना है। डेस्कटॉप तो हमारे EXE या विंडोज एप्लीकेशन के लिए हम बना देते तब यूज करते हैं, अभी हमें वेब के लिए चाहिए, तो इसलिए फ्री फॉर वेब यूज करेंगे। इसे मैंने डाउनलोड किया, लेट इट बी डाउनलोडेड, तो देखेंगे यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो गया है। लेट्स गो इनसाइड द फोल्डर, यहाँ डाउनलोड फोल्डर में हमारा फॉन्ट अवेशम डाउन हुआ है 6.2, इसे हम स्टेक करते हैं। स्टेप फाइल, यहाँ पे देखो फोल्डर स्टेक हुआ है, मैं इसके अंदर जाता हूँ फॉन्ट अवेशम। अब यहाँ पे हमें CSS चाहिए ओनली, यहाँ पे देखो बहुत सारे CSS है, फॉन्ट अवेशम मीन है, फॉन्ट अवेशम CSS है, ऑल डॉट मीन डॉट CSS है, तो हम इसको ऑल डॉट मीन डॉट CSS को यूज करते हैं। इसमें हमें सारे लाइब्रेरी जितने भी होते हैं वो सारे मिल जाएंगे, इसको हम कॉपी करते हैं ऑल डॉट CSS को, और हम कंटेंट नाम के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑल डॉट मेन डॉट CSS मैंने पेस्ट कर लिया। लेआउट पे चलते हैं, हम लेआउट और पर्टिकुलर एक पेज दोनों पे ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम लेआउट वाले पेज पे ऐड कर, सॉरी इंडेक्स वाले पेज पे ऐड करते हैं। इंडेक्स वाले पेज पे क्या है कि हम ऑल डॉट मेन डॉट CSS, दिस CSS फाइल है, तो हम बूटस्ट्रैप को जस्ट बिलो हम पेस्ट कर देते हैं कंटेंट ऑल डॉट मेन CSS। और हमें क्या है फॉन्ट अवेशम ऐड करना है, तो उसके आइकन हमें मिलते हैं, तो यहाँ पे आइकन्स में जाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखो बहुत सारे आइकन हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं, तो जैसे मुझे एडिट का चाहिए, तो एडिट मैंने टाइप किया, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे आइकन आ जाते हैं एडिट के, तो मैं इसमें से यूज करूँगा एक एडिट जो फ्री का है। हम इसमें से कोई भी यूज करते हैं, लाइक पेंसिल एडिट, सपोज हम यूज करते हैं पेन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें फाफा पेन। देखो यहाँ पे लिखा है फाफा लाइट एंड फाफा पेन, फिलहाल तो हम इसे कॉपी करते हैं डायरेक्ट, और हमारे एडिट बटन में जाते हैं जहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट लिखे हैं, वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसे, और फाफा लाइट को हटा करके सिर्फ इसे हम फाफा रखते हैं, फाफा फाफा पेन, और पेज पे जाके हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि इस तरह से आइकन बन जाता है, इसलिए ये आइकन इसलिए बनता है क्योंकि अभी भी हम फॉन्ट अवेशम का फॉन्ट नहीं डालें, जो हमारा फॉन्ट होता है अभी हम सिर्फ CSS डाले हैं, जो लेकिन ये CSS जो हमारा फॉन्ट यूज करेगा वो हम नहीं डाले हैं, इसलिए यहाँ पे आप देखोगे वेब फॉन्ट है। वेब फॉन्ट बेसिकली जहाँ पे आपका CSS होता है ना, ऑल डॉट मीन CSS, इसके जस्ट एक स्टेप बैक, तो स्टेप बैक क्या है, प्रोजेक्ट का रूट है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो देखोगे यहाँ पे वेब फॉन्ट मैंने पेस्ट कर दिया, ओके, तो देखो हम वेब फॉन्ट पेस्ट करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, अपने पेज पे जाऊँगा और इसे रिफ्रेश करूँगा फिर से। देखो एडिट आइकन हमारे आ गए, तो हमें ओवरऑल क्या करना है, फॉन्ट डाउनलोड किया हमने, स्ट्रैक किया जिप को, जो ऑल डॉट मीन डॉट CSS होता है उसे हमने यहाँ पे डाल दिया, और इसको आप रीनेम भी कर सकते हो फॉन्ट अवेशम डॉट CSS से आप चाहो तो,
और इसको मैंने अपने जस्ट पेज के ऊपर डाल दिया ऑल डॉट मीन डॉट सी एस एस को। और सेकंड थिंग, आपको जो भी आइकन लगाना है, सपोज दैट मैं इस बार एडिट का के जगह पर ट्रेस सर्च करता हूँ, ट्रेस मतलब डिलीट करना है हमें, तो मुझे ए आइकन चाहिए। तो देखो कि यहाँ पे फॉफर्स ऑलरेडी लिखा है ट्रेस, मैं इसको जस्ट कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। अब देखो इस बार मैं फाफा को नहीं हटाता हूँ, लेट्स सी। तो देखो ट्रेस आइकन आ गया, तब भी आ गया, लेकिन अगर मैं ए पे अगर फाफा लिख देता हूँ, फाफा हटा देता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। हालांकि दोनों ही पिक कर लेता है, लेकिन होता क्या, प्रीवियस वर्जन में अब हमें फाफा लिखना ही पड़ता था। अभी लेटेस्ट वर्जन में इसने फाफा को हटा दिया कि अब डायरेक्ट फाफा लिखो, या फाफा डायरेक्ट सॉलिड या थीन चाहिए आपको, जिस फॉर्मेट में चाहिए उस सब यूज कर सकते हो। लेकिन आपको इस वर्जन में भी फाफा लिखो या तो फाफा सॉलिड लिखो, दोनों में से एक लिखना ही पड़ेगा। अगर हम सपोज दैट फाफा सॉलिड हटा देते हैं और फाफा ट्रेस सीधे लिखते हैं, तो देखते हैं क्योंकि तो यहाँ पे कि आपका आइकन गायब हो गया, तो इसलिए आप फाफा लिखो या फाफा सॉलिड लिखो, आपको दोनों में से एक लिखना पड़ेगा। दैट्स इट।